नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बी के और मैं हूँ प्रियंका। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जनपद जालौन से, जहां कल जालौन में बड़ा बस हादसा हुआ था जिसमें दर्जनों लोग घायल हुए थे। उसी घटना में एक नया मोड़ आया है। आज घटना स्थल पर पानी में उतराता एक व्यक्ति का शव मिला है। इस पूरी बड़ी खबर के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जनपद जालौन से हमारे संवाददाता देवेश कुमार सोनकर जी। जी देवेश जी, एक मामला सामने आया है जो कल बस हादसा हुआ था उसको लेकर के आज जो कुछ घटना स्थल पर पानी में उतरा था, वो कोई शव मिला है, खबर ऐसी है, क्या है पूरा मामला? जी प्रियंका, मैं आपको बता दूं, कल जालौन से भिंड की ओर जा रही बस एक जो है कमशेरा के आगे अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई थी पानी में, जिसमें दो दर्जन से अधिक सवारियां थी, महिलाएं और बच्चे थे, जिनको बहुत मुश्किल से रेस्क्यू ऑपरेशन करके बाहर निकाला गया था। लेकिन आज उसी स्थान पर एक पानी में उतराता हुआ एक शव दिखाई दिया है। तो आनन फानन में स्थानीय जो ग्रामीण थे, वहां राहगीर थे, उन्होंने पुलिस को सूचना दी है। सूचना मिलने पर रेंडर थाना पुलिस अपराधियों के साथ मौके पर पहुंची है और स्थानीय ग्रामीण भी वहां मौजूद थे, तो उन्होंने उस शव को बाहर निकाला है। और जब उसको बाहर निकाला तो उसके बाएं हाथ पे मोहन दास गुदा हुआ था। तो आसपास के लोगों से जब उसकी पहचान कराई गई तो जानकारी ये मिली कि मोहन दास ग्राम प्रधानी का रहने वाला था और कमशेरा से वो उसी बस में सवार हुआ था जिसमें ये हादसा हुआ है। बमुश्किल उसके सवार होने से 2 किलोमीटर आगे वो बस अनियंत्रित होकर पलट गई। दिखी के वो 2 किलोमीटर का सफर उसका आखिरी सफर गया था। फिलहाल पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से उसके शव को जैसे बाहर निकाला है, उसके बाद पंचायत नामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया की, उनके घर वालों को सूचित किया। सूचना मिलने पर जब उनके घर वाले घटनास्थल पर पहुंचे हैं तो आक्रोशित हो गए और उन्होंने जो है मुआवजा और न्याय देने की मांग को लेकर वहां पर जाम लगा दिया। करीब 1 घंटे तक जाम लगा रहा है। उसके बाद जाम की सूचना पर जिले के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, SDM जालौन मौके पर पहुंचे हैं, क्षेत्र अधिकारी जालौन मौके पर पहुंचे हैं, क्षेत्र अधिकारी माधोगढ़ भी मौके पर पहुंचे थे और दो थाने रेंडर और माधोगढ़ थाने की पुलिस भी वहां पहुंची थी। तो परिजनों को 1 घंटे तक जाम लगा रहा है, 1 घंटे तक आवागमन दोनों ओर से बाधित भी रहा है। हालांकि अब आला अधिकारियों ने परिजनों को काफी देर तक समझा बुझाकर शांत कराया, फिर उनको मुआवजे के को लेकर उन्होंने कहा कि आप मुआवजे संबंधित जो भी प्रशासनिक मदद है, ये जो पहल है वो हम करेंगे और आपको मुआवजा दिलाने का प्रयास करेंगे। तब कहीं जाकर इस आश्वासन के बाद करीब 1 घंटे बाद वो जाम खुला है। देखिए, जिस वक्त उनके परिजनों को ऐसी सूचना मिली तो उनके परिजनों को पहली बार तो यकीन ही नहीं हुआ कि उनके जो संबंधित उनके घर के हैं वो, मतलब उसके बेटे को खासकर यकीन नहीं हुआ कि उसके पिता की मौत भी हो सकती है, क्योंकि वो घर से ये कहकर निकला था कि वो अपनी ससुराल बगरा के आगे गड़ेरना पड़ता है, गड़ेरना जा रहा था। तो लेकिन वो इसके सफर उसकी जिंदगी का आगे से बड़कों ने ये सोचा कि पापा जो है उनके ससुराल पहुंच गए होंगे तो कल आ जाएंगे। अच्छा, फोन लगाया होगा तो स्विच ऑफ आ रहा होगा और सोचा होगा कि वहां नेटवर्क नहीं है या जो भी समस्या रही है उस वजह से आ जाएंगे 1-2 दिन में। लेकिन जब सूचना जैसी मिली है तो वो बदाभास भागे हैं उस घटनास्थल की ओर। तो उनको जैसे अपनी आंखों देखकर उस पर यकीन ही नहीं था, चारों ओर चीख पुकार कर रोने का मंजर था और लोगों में आक्रोश भी था। तो उन्होंने जो है सबको इस गाड़ी में रखवा दिया। हालांकि पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए जा रही थी लेकिन उससे सब उतार कर सड़क पर रखा, महिलाएं और सब वहां बैठी और जाम लगा दिया। जी आला अधिकारियों ने परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है, इस पर परिजनों देखिए परिजनों से जब हमने बात की, हालांकि कैमरे के सामने कोई नहीं बोला, ऑफिशियली तौर पे भी कोई नहीं बोला था, अधिकारी जूम को समझाने में लगे हुए थे। परिजनों से जब हमारी बात हुई, परिजनों का कहना ये था कि ठीक है, अब उनके पिता तो चले ही गए हैं, अब उनको मुआवजे में जो मिल जाएगा वो उसके लिए वो पहल करेंगे। तो निश्चित तौर पर इसमें 2 क्लेम बनना चाहिए, एक तो बस से जिससे हादसा हुआ है उसका एक जो मेडिक्लेम होगा वो बनेगा और दैवी आपदा राहत कोष से भी कुछ उसका क्लेम बन सकता है। देखिए वहां राहगीर जो गुजर रहे थे और खासकर जो खेतों में काम करने के लिए सुबह के टाइम जो किसान या जो लेबर जाती है, समय कटाई का दौर चल रहा है तो उनको चूंकि उत्सुकता होती है, लोग बात कहते हैं यहाँ पर देखो कल एक हादसा हुआ था, तो इस बीच वहां का जो चौकीदार है, स्थानीय चौकीदार, उसको सबसे पहले वो सब दिखाई दिया।
तो चौकीदार ने रेंडर थाना पुलिस को सूचना दी। रेंडर थाना पुलिस भी तत्काल अपना समय गमाए मौके पर पहुंची और उसमें से उनके जो हमराही थे, हमराही खुद उस पानी में उतरे हैं और उस सबको बाहर उन्होंने चौकीदार की मदद से बाहर निकाला है। तो कहीं ना कहीं आज पुलिस की भी हमें मानवता देखने को मिली है। जिस तरीके से कल घटना स्थल पर जबकि जालौन पुलिस मौके पर पहुंची थी, जबकि जालौन पुलिस का वो इलाका भी नहीं था, लेकिन मानवता दिखाते हुए कल जालौन के SSI दिलीप मिश्रा अपने हमराइयों के साथ पहुंचे थे सबसे पहले, क्योंकि उन्हें पता था कि रेंडर पुलिस कहीं शायद व्यस्त है। हालांकि एक घंटे बाद रेंडर पुलिस भी वहां पहुंच गई थी, लेकिन यही देखिए ये मानवता, ये कहीं ना कहीं मित्र पुलिस का एक चेहरा दिखाई देता है। तो कल जो मैं देख रहा था कि जालौन पुलिस के जो SSI थे वो अपने हाथों से उन महिलाओं और बच्चों को सहारा देके बाहर निकाल रहे थे, उनका सामान व्यवस्थित कर रहे थे और घायलों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल भेज रहे थे और बाकी जो सही थे उनको अन्यत्र वाहन जो निकले थे उनको रोक कर उनको गंतव्य की ओर रवाना भी कर रहे थे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे जनपद जालौन से संवाददाता देवेश कुमार सरकार जी, जो हमें इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी दे रहे थे। आगे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए न्यूज़ पीके।